हरे कृष्णा। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में एक कथा शुरू की हुई है, आज उसी कथा का अंतिम पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब तक मैंने आपको सुनाया सबसे पहले तो राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता के विषय में कि किस प्रकार से बचपन में ही वो गोद चले गई थी अपनी मौसी वर्षिणी और उनके पति जो के अंग देश के राजा थे राजा रोमपाद के यहाँ। ये कथा मैंने इसलिए सुनाई थी कि इस कथा का जो मेरी मूल कथा है जो मैं आज आपको सारी सुनाऊंगा इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की कथा में हम देखेंगे कि भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह किससे हुआ और किन हालात में हुआ, ये सारा वर्णन मैं आपको आज की कथा में सुनाऊंगा। ये कथा सुनाने के पश्चात आपको मैंने महाभारत के वन पर्व के अध्याय 110 से शुरू होकर के 111, 112 और 113 तक जो कथा जाती है वो कथा सुनानी शुरू की, जिसमें ऋषि लोमास, महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को यह कथा सुना रहे हैं क्योंकि अर्जुन दिव्यास्त्र लेने के लिए राजा इंद्र के पास गए हुए हैं। तो इस कथा में मैंने आपको अब तक जो सुनाया है उसमें मैंने आपको बतलाया कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि अर्थात ब्रह्मा जी के पड़पोते श्रृंगी ऋषि जिन्हें ऋषि श्रृंग के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बतलाया था कि श्रृंगी ऋषि ने बचपन से ही कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, सिर्फ अपने पिता को ही देखा था। उनका सारा पालन पोषण उनके पिता ऋषि विभांडक ने किया, उनके पिता ने उन्हें पिता का भी प्यार दिया, माता का भी प्यार दिया और गुरु का भी प्यार दिया, सारी विद्या आदि सब कुछ किया। बहुत बड़े ऋषि हो गए थे श्रृंग ऋषि, उनके माथे पर क्योंकि एक श्रृंग था, एक सींग था, इसलिए उनका नाम पड़ा श्रृंग ऋषि। मैंने आपको ये भी बतलाया था कि किन कारणों में किन हालात में अंग देश में अकाल पड़ गया, राजा इंद्र ने वहाँ वर्षा बंद कर दी, भूखमरी की नौबत आ गई, नदी नाले सब सूख गए। तब राजा रोमपाद को ऋषि मुनियों ने कहा कि किसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि यहाँ आ जाएं तो उनके आने से उनके तपोबल से वर्षा हो जाएगी, लेकिन श्रृंगी ऋषि तो कभी आश्रम से बाहर निकलते ही नहीं थे। ऋषि विभांडक का आश्रम अंग देश के बिल्कुल साथ ही लगता हुआ था और श्रृंगी ऋषि हमेशा आश्रम में ही रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे, किसी दूसरी स्त्री को नहीं, किसी स्त्री को उन्हें देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि स्त्री भी कुछ होता है, दूसरे पुरुष को नहीं देखा सिवाय अपने पिता विभांडक। राजा रोमपाद प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि को लाया जाए और सभी नर्तकियों को, वेश्याओं को, देवदासियों को सबको इकट्ठा करके अपनी योजना बतलाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलती डर के मारे, एक बड़ी उम्र की स्त्री आगे बढ़ती है और वो कहती है कि मैं ये करूँगी और वो ये बीड़ा अपने पर उठा लेती है कि मैं श्रृंगी ऋषि को लेकर के आऊंगी।
राज्य में। तो आज की कथा में हम देखेंगे कि वो श्रृंगी ऋषि को यहाँ लाने के लिए क्या चाल चलती है, क्या हथकंडे अपनाती है और क्या वो श्रृंगी ऋषि को वहाँ ला सके, लाने में कामयाब हुई या नहीं हुई, ये सारा हम अब आज की कथा में सुनेंगे जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो जब पता लगा कि ऋषि विभंडक कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं और राजा रोमपाद ने उस स्त्री को अलर्ट कर दिया कि तुम तैयारी करके फौरन पहुंच जाओ, उस स्त्री ने एक बहुत बड़ी सी नौका ली, बहुत बड़ी नौका ली और उस नौका के ऊपर जैसे ऋषि मुनियों का आश्रम होता है उस प्रकार से एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया, उपवन बनाए, उसमें पेड़ लगाए, पेड़ों पे लताएं, फूलों के पौधे, फलों के पेड़, हालांकि सब नकली थे लेकिन इतने सुंदर थे कि देखने में एकदम असली लगते थे। वो सब लगा करके पूरा आश्रम उसने, जैसे ऋषि मुनियों का होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, वहाँ उस नाव के ऊपर बनाया, बहुत बड़ी नाव ली, उसके ऊपर बहुत बड़ा आश्रम बनाया और अपने साथ चुन करके सुंदर सुंदर स्त्रियाँ ली, एकदम यंग युवा स्त्रियाँ जो बहुत सुंदर नृत्य में, गायन में परफेक्ट, बेजोड़, जिनका कोई जवाब नहीं, ऐसी स्त्रियों से अपने साथ ली। उसकी स्वयं की पुत्री भी युवा थी, बहुत सुंदर थी, नृत्य में, गायन में, अन्य कलाओं में बहुत ऊंची थी, उसे भी उसने अपने साथ लिया। उन सबको अपने साथ लेकर के उस नाव में सवार होकर के जहाँ ऋषि का आश्रम था, विभांडक ऋषि का आश्रम था, वहाँ आश्रम के पास नदी में नाव किनारे के साथ लगा के खड़ी कर ली। आश्रम के आसपास गुप्तचर फैले हुए थे। ज्यों ही ऋषि विभांडक आश्रम से बाहर गए तुरंत गुप्तचरों ने सूचना भेज दी कि ऋषि विभांडक बाहर चले गए हैं और अब अंदर श्रृंगी ऋषि अकेले हैं। सूचना मिलते ही उस स्त्री ने अपनी पुत्री को बुलाया और पुत्री को बुला करके कहा कि तुम्हें जो कुछ मैंने समझाया है अच्छी तरीके से याद तो है ना? पुत्री ने कहा हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। उन्होंने कहा अगर कहीं कुछ भूल है तो मुझसे दोबारा पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ याद है। उस स्त्री ने अपनी पुत्री को कहा कि ये जो कार्य तुम्हें मैंने दिया है, महाराज ने हमें दिया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कार्य है, बड़ा विशेष कार्य है और इस कार्य की सफलता तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है, तो तुम्हें सारा कार्य बड़े अच्छे ढंग से करना है, फूक फूक के कदम रखना है, कहीं थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी, यदि थोड़ी सी भी गलती की तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और फिर महाराज गुस्से में आएंगे और गुस्से में आके सबको मृत्यु दंड मिल जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तो कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, सारा कार्य भली प्रकार से अच्छे तरीके से संपन्न होना चाहिए और ये सब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। पुत्री ने अपनी माता को आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल होंगी। उस स्त्री ने अपनी पुत्री के साथ कुछ और बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को, 5-6 स्त्रियों को भेजा जो आचार व्यवहार में कुशल थी, पूर्णतया
उनके साथ बड़े अच्छे अच्छे सुंदर स्वादु फल, रस के भरे हुए मीठे फल, कुछ मिष्ठान, पेय पदार्थ, बहुत सा सामान दे करके अपनी पुत्री को उन्होंने भेज दिया। पुत्री आश्रम में पहुंची, आश्रम में पहुंच करके अंदर गई और श्रृंग ऋषि के पास पहुंच गई। श्रृंग ऋषि उस समय बैठे हुए थे, तपस्या में लीन, जैसी उनकी आदत थी। स्त्री जाकर के वहां उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई। जब देखा उन्होंने कि कोई आया है, आंखें खोल ली। उन्होंने तो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि स्त्री कैसी होती है, क्या होती है या नहीं होती है। उन्होंने समझा कि ये भी कोई ऋषि होंगे, ये भी कोई तपस्वी होंगे। श्रृंगी ऋषि ने उठ करके उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे तपस्वी, मैं आपका इस आश्रम में स्वागत करता हूँ। उस स्त्री ने प्रत्युत्तर में उन्हें प्रणाम किया श्रृंगी ऋषि को, और उसने कहा कि ऋषिवर, क्या यहाँ आश्रम में सब ठीक ठाक से है? क्या आप सकुशल हैं? आपको कोई यहाँ कष्ट तो नहीं है? आपकी पूजा संध्या सब अच्छे तरीके से चल रही है ना? किसी चीज की आपको आवश्यकता तो नहीं है? बस आपके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं यहां आपके दर्शनों के लिए आई। ऋषि ने कहा कि नहीं, यहां तो सब कुछ बहुत अच्छा है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, आपका आश्रम कहां है? स्त्री ने कहा कि मेरा आश्रम यहां से 4 कोस की दूरी पर है, पहाड़ी के पास। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ आश्रम में। और श्रृंगी ऋषि ने उन्हें कुछ जो उनके पास जंगली फल वल थे वो भेंट किए। उस स्त्री ने कहा कि ये भेंट आपकी मैं स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरा एक नियम है कि जब भी कोई मुझे कोई भेंट देता है तो मैं उसे हग करती हूँ, उसे आलिंगन करती हूँ। तो मुझे मेरे इस नियम की पूर्ति के लिए, क्योंकि आपने मुझे भेंट दी है, तो मुझे मेरा नियम भी पूरा करना होगा, आपको आलिंगन भी करना होगा। और जहाँ तक बात भेंट की है, तो मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, पहले आप वो भेंट स्वीकार कीजिए। उस स्त्री ने जो अपने साथ लेकर के आई थी, बड़े मीठे मीठे फल, रसदार, ऐसे फल जो श्रृंग ऋषि ने कभी देखे भी नहीं थे, वो फल उन्हें अर्पित किए, मिठाइयां अर्पित की। श्रृंग ऋषि ने वो फल खाए, बड़े मीठे फल, बड़े प्रसन्न हुए खा करके। फिर उस स्त्री ने उन्हें कहा कि मैं आपके पीने के लिए जल लाई हूं, बड़े अच्छे अच्छे जल। उसने पहले तो उन्हें शरबत वगैरह पिलाया, बड़ा अच्छा लगा ऋषि को, कभी पिया नहीं था जीवन में। उसके पश्चात उस स्त्री ने श्रृंग ऋषि को मद्य पिलाया, नशे वाले पेय पिलाए। श्रृंगी ऋषि को तो पता नहीं था कि क्या है, उन्होंने तो सिवाय जल और गौ दूध के और कुछ कभी पिया ही नहीं था।
जब उन्हें नशे वाले पेय पिलाए तो उसका असर तुरंत उनको पर हुआ और वो मद में आ गए। श्रृंगी ऋषि मद में आ गए, मद में आकर के वो स्त्रियों के साथ खेलने लगे। जब उस स्त्री ने देखा कि हाँ इनके ऊपर अब इसका प्रभाव आ गया है, तब उस स्त्री ने कहा कि मैंने आपको ऋषिवर पहले ही कहा था कि मेरा नियम है कि जो कोई भी मुझे कुछ भेंट देता है मैं उसे आलिंगन करती हूँ, तो मैं अब आपको आलिंगन करूँगी। कहकर के उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि को जोर से आलिंगन में लिया, आलिंगन किया, हक किया। इससे पहले श्रृंगी ऋषि ने कभी किसी स्त्री को छूना तो बहुत दूर की बात, देखा भी नहीं था कि स्त्री कैसी होती है। उस स्त्री का आलिंगन बड़ा अच्छा लगा श्रृंगी ऋषि को। बहुत देर तक वो आलिंगन करते रहे आपस में, कभी खेलने लगे, कभी हंसने लगे, कभी बातें करने लगे, कभी फिर आलिंगन करने लगे। काफी देर तक ऐसे चलता रहा। उसके पश्चात सांझ होने को आई। उस स्त्री ने कहा कि मेरा अब संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। आपका भी संध्या वंदन का समय हो रहा है, आपको भी करनी होगी, तो मैं अब जा रही हूँ। श्रृंगी ऋषि उसे रोकना चाहते थे, लेकिन संध्या वंदन के कारण नहीं रोक सके। उनके देखते देखते वो स्त्री चली गई अपने साथियों को लेकर के। बड़ा बुरा लगा श्रृंगी ऋषि को उसका जाना, बड़ा मन पे प्रभाव हुआ, अचेत तक हो गए, दशा खराब हो गई उनकी, मन बिल्कुल उदास हो गया। कुछ समय के पश्चात उनके पिता ऋषि भी भंडक वापिस आए। आकर के उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का ये क्या हाल है। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र क्या हुआ, मेरे पीछे से यहाँ क्या हुआ है जो तुम्हारा ये हाल है। संध्या हो चुकी है और तुमने संध्या वंदन तक नहीं किया, अग्निहोत्र भी नहीं किया, हवन भी नहीं किया, क्या बात, तुम सब कुछ भूल गए, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आपके जाने के बाद एक और बहुत बड़े ऋषि आए थे, उनके साथ चार पांच उनके शिष्य ऋषि भी थे, बहुत सुंदर ऋषि थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, लंबी लंबी, बहुत सुंदर सुनहरी रंग की जटाएं थी, जो लंबे बाल स्त्रियों के होते हैं, उन जटाओं को एक सुनहरी रंग के रस्सी से गूंथ रखा था, बहुत सुंदर लग रही थी। उन ऋषिवर का चेहरा एकदम चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, बहुत सुंदर, आदमी देखे तो देखता रह जाए, इस प्रकार से उसका पूरा वर्णन करते हैं श्रृंगी ऋषि। उसकी आंखें बड़े बड़े कमल के फूलों जैसी, मृगनैनी, उसकी लंबी गर्दन पतली, उसके होंठ इतने लाल थे जैसे फूल हों, गुलाब के फूल हों, उसके गर्दन से लेकर के कमर तक का हिस्सा बड़ा भारी भरकम था। उसका कमर का हिस्सा बहुत पतला, बहुत ही पतला था, और जब वो चलती थी तो उसकी चाल इतनी सुंदर चाल थी कि व्यक्ति देखता रह जाए। चलते समय उसके पैरों में कोई कुछ था जो बजरा था, अब नुपुर थे, पायल थी, पाजेब थी, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था क्योंकि कभी देखा ही नहीं, जो बजरा था, बड़ी अच्छी रुनझुन की आवाज आ रही थी,
उसने अपने गले में कानों में कुछ पहने हुए थे जो झिलमिल कर रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके कारण उसका सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसे सुंदर ऋषि आए थे और उन्होंने मुझे बड़े स्वादु फल खिलाए, बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें खिलाई। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अच्छे पेय पिलाए, ऐसे पेय पिलाए कि वो पेय पीने के बाद मेरे एकदम मस्ती आ गई दिमाग में। समझ गए विभांडक ऋषि, सब कुछ समझ गए कि यहाँ कोई स्त्री आई थी और उसने मादक पेय पिलाया है। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि ये राक्षस थे, वो जंगलों में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं जो हम ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए भेष बदल के आते हैं और इस तरह के हथकंडे करते हैं, तो तुम्हें उनसे दूर रहना है, तुम्हें उनके पास नहीं जाना है। तो तुम अब फटाफट स्नान करो और अपना संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो। पुत्र को कह दिया, लेकिन ऋषि विभांडक खुद सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, आज कौन आए। दो दिन तीन दिन तक ढूंढते रहे वो कि कौन आई थी। उधर उस वृद्धा स्त्री ने जो उनको लेकर के आई थी, उसने अपनी नाव को दूर कर लिया वहाँ से, कि उसे पता था कि ऋषि विभांडक जरूर ढूंढेंगे। तीन दिन तक ढूंढने के बाद ऋषि विभांडक नहीं ढूंढ पाए कि कौन थे, कहाँ थे। तीन दिन के बाद फिर उन्हें कहीं जाना था ऋषि विभांडक को, किसी का आवश्यक कार्य थे। जो ही ऋषि विभांडक गए, गुप्तचरों ने सूचना दे दी कि ऋषिवर बाहर गए। सूचना मिलते ही साथ दोबारा फिर वही स्त्री अपने साथियों को लेकर के वहाँ गई आश्रम में, श्रृंगी ऋषि के पास। बड़े खुश हुए श्रृंगी ऋषि उन्हें मिलकर के। श्रृंगी ऋषि को उसने कहा कि यहाँ तो आपके पिता बार बार आकर के परेशान करेंगे, तो तुम मेरे आश्रम में चलो, वहीं कुछ समय रहना। श्रृंगी ऋषि को भी लगा कि हाँ, यहाँ तो भी थोड़ी देर पिताजी आ जाएंगे और फिर वो गुस्सा होंगे। श्रृंगी ऋषि उनके साथ नाव में चले गए आश्रम समझ के। उनके वहाँ जाते ही साथ अपने नाविकों को इशारा किया वृद्धा स्त्री ने, वो फटाफट नाव को खे करके ले गए और इस प्रकार से वहाँ से श्रृंगी ऋषि को लेकर के वो राजा रोमपाद के पास आ गए। अपने राज्य में वापस आ गए अंग देश में। जो ही श्रृंगी ऋषि अंग देश में पहुंचे, तुरंत बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही राजा रोमपाद समझ गए कि वो स्त्री अपने कार्य में सफल हो गई है और श्रृंगी ऋषि को ले आई है। बड़े स्वागत किया श्रृंगी ऋषि का वहाँ राजा रोमपाद ने, उनकी पत्नी ने बहुत स्वागत किया, अपने महलों में उन्हें ठहराया। वर्षा आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब राजा रोमपाद को डर सताया कि ऋषि विभांडक को जब पता लगेगा क्रोध में आ जाएंगे, और क्रोध में आकर के न जाने वो क्या कर दें, क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार किया, बहुत सोच विचार करके एक निर्णय लिया। उस निर्णय के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री शांता, भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से किया। इस प्रकार से भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से हुआ और उसके पश्चात काफ़ी समय तक श्रृंग ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश में ही रहे। कथा आगे और भी लंबी है ये, लेकिन समय अभाव के कारण इस कथा को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। आगे मैं एक बात और ज़रूर बतलाना चाहूँगा कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची,
कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करूं। तो उनके जो राज पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने कहा राजा दशरथ को कि यदि आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है तो श्रृंग ऋषि को बुलाओ, उनके द्वारा करवाया हुआ यज्ञ बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि वशिष्ठ के कहने से राजा दशरथ ने इन्हीं श्रृंग ऋषि से यानी कि अपने दामाद से ये निवेदन किया, ये प्रार्थना की कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराएं मेरा। पहले तो श्रृंग ऋषि ने मना कर दिया, लेकिन जब उनकी पत्नी राजा दशरथ की पुत्री शांता ने कहा उन्हें, तब वो मान गए। तब उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि खाली अश्वमेघ यज्ञ नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ भी करो। पुत्रों की प्राप्ति तब होगी जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। सहर्ष मान गए राजा दशरथ। तब इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने जो राजा दशरथ और राजा रोमपाद के दामाद थे, उन्होंने राजा दशरथ का पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ कराए, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से इस कथा के जो पात्र हैं वो तो हैं रामायण से, किंतु रामायण में इस कथा का वर्णन बहुत संक्षिप्त है। महाभारत में इसका पूर्ण वर्णन है, ये तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में सुनाई है। इसका आगे और भी कथा है कि किस प्रकार से ऋषि विभांडव उसे उन्हें ढूंढते हुए आए और कैसे वो आकर के वहाँ अंगदेश में पहुँचे और आकर के उन्होंने कैसे उन्हें मिले, लेकिन समय अभाव के कारण वो मैं नहीं सुना पा रहा। महाभारत में बहुत सुंदर ये कथा है और ये ऋषि श्रृंग की कथा रामायण में भी है, महाभारत में भी है। उसके अलावा जैसे मैंने बतलाया था, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी है, बौद्ध ग्रंथ में भी श्रृंग ऋषि का पूरा वर्णन दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। अब अगले सप्ताह फिर मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर कथा लेकर के आऊँगा, सुनना ना भूलें। कृपया आज की कथा को लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद उठा सकें। हरे कृष्णा।